हमारा देश भारत, जो सदियों से विश्व गुरु कहलाता है, जिसने दुनिया को बड़े बड़े महापुरुष दिए हैं। इसके साथ हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां आपको दुनिया के हर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इन सब उपलब्धियों का श्रेय जाता है भारत के एक ऐसी यूनिवर्सिटी को जो दुनिया का पहला रिहायशी यूनिवर्सिटी है, जो भारत के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक समय में मध्य पूर्व एशिया के करीब 10,000 स्टूडेंट एक साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। दोस्तों, हम आज इसी ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। आज के समय में अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सी है, तो आप में से ज़्यादातर लोग ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे नामों को बताएंगे। लेकिन करीब 1500 साल पहले बात कुछ और थी, क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया के सबसे पुराने और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों से एक है। नालंदा। नालंदा जो तीन शब्दों से मिलकर बना है, जैसे ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका मतलब है एक ऐसा खूबसूरत उपहार जिसका कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम वैसा काम, इस खूबसूरत और विशाल यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, फाइलोजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसफी जैसे अनेक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। और तो और, हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, जिसमें लाख दो लाख नहीं बल्कि 90 लाख से भी ज़्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जो दुनिया में कहीं नहीं है। यह यूनिवर्सिटी लगभग 700 साल तक दुनिया को ज्ञान देती रही, लेकिन नालंदा ने कई बार विदेशी ताकतों का आक्रमण को भी झेला है। लेकिन इतने हमले होने के बावजूद भी नालंदा ने लोगों को ज्ञान देना जारी रखा। लेकिन आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यानी कि इस ज्ञान के भंडार को जला दिया। वो भी इसलिए क्योंकि उसको एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज किसी भी हकीम के पास नहीं था। पर जब नालंदा के वैद्यों ने बख्तियार खिलजी का इलाज कर दिया तो उसको ये बात पसंद नहीं आई। उसने इस विशाल और ज्ञान के भरे भंडार और शिक्षा के मंदिर को जलाने का हुक्म दे दिया। माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी लगभग 3 महीने तक जलती रही, और ज्ञान का वो खजाना जिसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया और जिसे अगली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखा गया था, वो धुएं में कहीं खो गया। कहते हैं उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, तब वो एक महाविहार यानी कि एक विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके विशाल खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैले नजर आते हैं। कुछ जानकारों के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी दरअसल आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे करीब 500 व्यापारियों ने गौतम बौद्ध को तोहफे में दिया था। पर आर्कियोलॉजी के अनुसार नालंदा को 5th सेंचुरी BC में गुप्त काल में बनाया गया था। उसके बाद गुप्त काल में इस जगह का और डेवलपमेंट हुआ और यह एक विहार से 7वीं शताब्दी में तक महाविहार बन चुका था। इसमें अलग अलग दौर में यहाँ कई महान टीचर ने पढ़ाया था, जैसे नागार्जुना, बुद्धपालिता, संतुष्टा और आर्यदेव जैसे टीचर थे। और जानते हैं स्टूडेंट कौन थे? ह्यूम त्यांग जैसे कई महान लोग जो दुनिया भर से यहाँ खींचे चले आते थे। यहाँ पर लगभग पूरे विश्व से, जैसे चीन से, म्यांमार से, श्रीलंका से और अनेकों देशों के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण के लिए आया करते थे इस महाविहार में। लेकिन इन सब उपलब्धियों के बावजूद नालंदा वक्त के मार को नहीं झेल पाई और पूरी दुनिया को ज्ञान के से रूबरू कराने वाली यह यूनिवर्सिटी आज खंडहर में तब्दील हो गई है। पर डॉक्टर अब्दुल कलाम के पहल से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया है।
नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन करता रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हमारा भारत फिर से विश्वगुरु बन पाएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।